नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधे के एमआरआई के बारे में, जिसे कि शोल्डर एमआरआई कहते हैं। दोस्तों, कंधे का एमआरआई एक इमेजिंग टेस्ट है जिसके माध्यम से कंधे की मांसपेशियों, लिगामेंट, कंधे में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज सहित कंधे की संरचनाओं की छवियां तैयार की जाती है और उसकी जाँच की जाती है। एमआरआई स्कैनर एक बड़ी मशीन है जो कि शरीर की आंतरिक संरचनाओं की छवियों को बनाने के लिए मैग्नेट और रेडियो वेव का इस्तेमाल करती है और इससे तैयार होने वाली छवियाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन के मुकाबले ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। एमआरआई के दौरान आपको मशीन में इस तरह रखा जाएगा कि आपके कंधे वाले हिस्से के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन सके। एमआरआई मशीन में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो कि रेडियो वेव के रूप में नब्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और स्कैनर इन तरंगों को छवियों में बदल देता है। ट्रांसमीटर कंधे वाले हिस्से में मौजूद परमाणुओं के संरेखण यानी कि अलाइनमेंट को बदल देता है। जब ट्रांसमीटर बंद हो जाता है तो परमाणु दोबारा से जो अलाइनमेंट हो जाते हैं और जिससे रिसीवर कैप्चर कर लेता है और इन्हें कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कभी कभी एमआरआई में और अधिक साफ फोटो प्राप्त करने के लिए कंट्रास्ट डाई का उपयोग किया जाता है और इस डाई को आमतौर पर स्कैन से ठीक पहले इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, कंधे का एमआरआई क्यों किया जाता है? तो यह टेस्ट कुछ स्थितियों के मूल्यांकन या निदान में मदद करता है, जैसे कि कंधे का दर्द जिसका कारण पता नहीं चल पाता है और यह उपचार से ठीक नहीं होता, फ्रैक्चर, कंधे के जोड़ को हिलाने डुलाने में कमी आना, कंधे के जोड़ के आसपास के ऊतकों में दर्द, सूजन और ब्लीडिंग होना, लिगामेंट और टेंडन के फटने के कारण कंधे में असामान्यताएं आना, खेल संबंधी या काम से संबंधित विकार होना। और बता दें कि ऐसे विकार अक्सर तब होते हैं जब हमें एक जैसी मूवमेंट या खिंचाव बार बार होती है, संक्रमण जैसे कि हड्डी में संक्रमण, कंधे की सर्जरी के बाद सुधार देखने के लिए, जोड़ों और कंधे की हड्डियों से जुड़े ट्यूमर का पता लगाने के लिए, कंधे के जोड़ में लिक्विड का पता लगाने के लिए और साथ ही साथ कंधे की अस्थिरता या कमजोरी को देखने के लिए। तो कंधे के एमआरआई से पहले क्या तैयारियां की जाती है? तो आपको टेस्ट से 6 घंटे पहले से कुछ भी खाने पीना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ स्थितियों के बारे में डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट को टेस्ट से पहले बताएं, जैसे कि कंट्रास्ट मटेरियल या डाई से एलर्जी, गर्भावस्था, शरीर में धातु इम्प्लांट कराया हो जैसे कि स्टेंट, नकली धातु वाला दांत, कॉक्लियर इम्प्लांट, एक डिवाइस जो कि आंशिक रूप से सुनने में मदद करती है, और साथ ही साथ कॉस्मेटिक मेटल इम्प्लांट, रक्तवाहिकाओं की हाल ही में सर्जरी कराई हो, इंट्रायूटराइन डिवाइस का इस्तेमाल किया हो, किडनी की बीमारी हो या सिकल सेल एनीमिया हो, साथ ही साथ मेडिकल पैच पहना हो तो डॉक्टर को बता दें। यदि आपको बंद स्थानों से डर लगता है तो आपको अपने डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट को इस बारे में सूचित करना चाहिए। ऐसे मामले में वे आपकी चिंता को कम करने के लिए सिडेटिव ड्रग दे सकते हैं। सभी आभूषण और कीमती सामान जैसे कि घड़ियां और चाबी घर पर छोड़ दें, क्योंकि स्कैनिंग रूम में इन सबको ले जाने की अनुमति नहीं होती है। कंधे का एमआरआई कैसे होता है दोस्तों? तो कंधे के एमआरआई की प्रक्रिया में कुछ चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि रेडियोलॉजी स्टाफ सबसे पहले आपको मेटल वाली चीज़ें निकालने के लिए कहेंगे और इन चीज़ों में हियरिंग एड यानी कि सुनने में मदद करने वाली डिवाइस, पियर्सिंग, नकली दांत और यहाँ तक कि विग यानी कि नकली बाल भी शामिल हैं। वे आपसे अस्पताल का गाउन पहनने को कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। इसके बाद कर्मचारी आपको टेबल पर लेटने के लिए कहेंगे और यह टेबल स्कैनर में स्लाइड यानी कि अंदर जाएगी, और यदि टेस्ट में कंट्रास्ट डाई के उपयोग की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर नसों के जरिए डाई को शरीर में इंजेक्ट करते हैं। और बता दें कि डाई का प्रयोग अधिक स्पष्ट फोटो प्राप्त करने के लिए किया जाता है और स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहने की सलाह दी जाती है, यानी हिले डुले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से फोटो ब्लर यानी कि धुंधली हो सकती है और इस टेस्ट में आधे घंटे से लेकर 1 घंटा या इससे भी अधिक का समय लग सकता है। दोस्तों, कंधे के एमआरआई के दौरान आपको कैसा महसूस होता है? तो कंधे के एमआरआई के दौरान दर्द नहीं होता है। हालांकि आप जिस टेबल पर लेटते हैं कठोर होने के कारण उसमें आप असहज हो सकते हैं। पूरे टेस्ट में एक ही स्थिति में लेटने की वजह से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं और स्कैन के दौरान कंधे पर गर्माहट महसूस हो सकती है। यदि कंट्रास्ट डाई का उपयोग किया गया था तो आपको इंजेक्शन लगाने पर ठंडक महसूस हो सकती है। कंट्रास्ट के उपयोग के कारण टेस्ट के 2 दिन बाद तक आपको स्कैन किए गए कंधे में मुलायम सा महसूस हो सकता है। दोस्तों, कंधे का एमआरआई कौन नहीं करा सकता? तो कंधे का एमआरआई कुछ व्यक्तियों को नहीं करवाना चाहिए या कराने से पहले डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए, जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने शरीर पर कई टैटू बनवाया हो, क्योंकि टैटू में उपयोग किए जाने वाले स्याही में कुछ मात्रा में धातु हो सकती है और ऐसे में एमआरआई स्कैन से टैटू वाले हिस्से में असुविधा या गर्मी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शरीर पर पियर्सिंग कराई है, पियर्सिंग यानी कि धातु से बनी किसी चीज़ को अपने शरीर के अंगों पर लगवाना या इम्प्लांट कराना, क्योंकि यह धातु से बनी होती है तो ऐसे में एमआरआई के दौरान यह खराब हो सकती है। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो यदि आप गर्भवती हैं तो ऐसे में एमआरआई न करवाएं, क्योंकि यह गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, कंधे के एमआरआई के परिणामों का क्या मतलब होता है? तो यदि टेस्ट रिपोर्ट सामान्य आती है तो इसका मतलब कि कंधे या आसपास के ऊतक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट असामान्य आने का अर्थ जो है
वो आपको किसी स्थिति का संकेत हो सकता है, जैसे कि फोड़ा जो कि त्वचा में मवाद से भरा हुआ व उभरा हुआ होता है, कंधे की हड्डी में चोट या फ्रैक्चर, ऑस्टियोनेक्रोसिस जो कि हड्डी में खून की आपूर्ति में कमी के कारण होने वाला एक रोग है, रोटेटर कफ की सूजन जो कि टेंडन का वह हिस्सा है जो हाथ को गोल घुमाने में या हाथ उठाने में मदद करता है, रोटेटर कफ के टेंडन का फटना या फिर ट्यूमर, कैंसर सहित, ऑस्टियोमायलाइटिस यानी कि हड्डी में इन्फेक्शन, बर्साइटिस यानी कि बर्सा की सूजन जो कि हड्डी और मांसपेशियां त्वचा या टेंडन के बीच सपोर्ट या कुशन की तरह काम करता है, बाइसेप्स फटना, फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधे की अकड़न, और साथ ही साथ शोल्डर लेब्रम टियर जो कि शोल्डर लेब्रम उत्तकों का एक मोटा टुकड़ा होता है जो कि जोड़ में मौजूद बॉल को उसकी जगह पर रखने में मदद करता है। तो इन सारी स्थिति का संकेत हो सकता है। दोस्तों बात करें कंधे के एमआरआई के क्या जोखिम होते हैं, तो दुर्लभ मामलों में कंट्रास्ट डाई के उपयोग की वजह से एलर्जी हो सकती है और यह उन व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकती है जिन्हें किडनी की बीमारी के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है, और कंधे के एमआरआई प्रोसेस के दौरान मेटल इम्प्लांट जैसी चीज़ों को नुकसान हो सकता है। जब और इसके लाभों की बात की जाए तो इसमें रेडिएशन का उपयोग नहीं होता है, यह दर्द रहित है यानी इसमें दर्द नहीं होता है, और यह एक विस्तृत व अन्य इमेजिंग टेस्ट की तुलना में साफ फोटो प्रदान करता है। तो कंधे के एमआरआई के बाद क्या होता है, तो आमतौर पर रोगी टेस्ट के ठीक बाद अपनी दैनिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। हालांकि यदि मरीज को सिडेटिव ड्रग्स दिया गया है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट के 24 घंटे बाद तक किसी को अपने साथ रहने के लिए कहें, सार्वजनिक परिवहन में अकेले सफ़र ना करें व खुद से कार ना चलाएं, परीक्षण के दिन किसी तरह की मशीनरी का संचालन ना करें। दोस्तों कंधे के एमआरआई के साथ कौन से अन्य टेस्ट किए जा सकते हैं, तो डॉक्टर कंधे के एमआरआई के साथ और भी टेस्ट कराने का सुझाव दे सकते हैं जो कि जांच के तहत बीमारी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्टियोमायलाइटिस है तो उसके लिए टिश्यू कल्चर टेस्ट या फिर बोन बायोप्सी, अगर रोटेटर कफ टियर है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्थ्रोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। दोस्तों ध्यान रहे कि इन सभी टेस्ट के परिणाम रोगी के नैदानिक स्थितियों से सहसंबंध यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ पर दी गई जानकारी शैक्षणिक दृष्टिकोण से दी गई है और यह किसी भी डॉक्टर द्वारा सुझाए गए मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।